नमस्कार मणिभोज को स्वागत करुछि प्रथम हेडलाइंस दर्शन कर जगा को जगित आखि बालसी बड़ देवल खोल को चतुर्था निजोग सुपारिश प्रथम पूरी पर जिला बाहर श्रद्धालु को अनुमति कड़ा कटका भितर दर्शन को नहीं भक्त मन में आशा नयागढ़ पुणी शिशु निखोज तीन वर्ष स्वाति को खोजुच पूरा परिवार सन्देह गांव को आसीता कंबल व्यवसायी अंग तस्कर भय हजाई निद परी हत्याकांडर प्रमाण नष्ट अभियोग मृतदेह मिलता अखा को बदला जाता कथा पुणी उठाइले परीर माँ सीबीआई तदंत सामान कथा कहले सरपंच राज्य सरकार को बीजेपी प्रभारी पुरंदेश्वरी टार्गेट कहले ओडिशारे प्रशासन नुहे चली कुशासन परी प्रसंग उठाई बर्षिले कालिया योजना को कहले समालोचना बखाणिले स्वास्थ्य पानी और आवास योजना विफलित नुआ वर्षे नुआ टीम चलित मास शेष सप्ताह राज्य मंत्रिमंडल हो पारे नवकलेवर नवीन को नुआ टीम ने पावर कॉरिडोर चर्चा किए जिबे किए आसिबे अंक कसारंभ पूर्वतन राष्ट्रपति प्रणब मुखार्जी पुस्तक में खुलला कांग्रेस गुमर द प्रेसिडेंशियल इयर्स उल्लेख 2014 दलय पराजय पर सोनिया और मनमोहन दाई चर्चा प्रणब मुखार्जी बायोग्राफी भारतीयों पर खुशी खबर नासार मून मिशन में भारतीय वंशज राजा चारि सामिल 17 महाकाशचारी 2024 चंद्र जीवे राजा प्रथम थर जड़े महिला चंद्र पठाए नासा एवं कुहुड़ी चादर तले राजधानी ट्विन सिटी में घन कुहुड़ी सकाळु सकाळु घर बाहर मुश्किल साधारण जीवन यात्रा बाधाप्राप्त देखिबा संपूर्ण खबर शेष हो पारे कोटि कोटि भक्तों अपेक्षा छतसा निजोग सुपारिश पर एवं सरकार कोर्टे बल जदि सबकि ठीक रुहे तेबे डिसेंबर 22 रु श्रद्धालुं पाई खोली पारे बड़ देउलर द्वार किंतु पूरी बाहर श्रद्धालुं पाई नेगेटिव रिपोर्ट सह जनवरी 3 को अपेक्षा करबा को हेबो बड़ दांड को फेरिबो कहले श्रीमंदिर को जिबे श्रद्धालु कालिया को दर्शन करिबो जग्गा को जगिथिबा आखि पुरी रे सबु किछि पूर्व भली होइछिबो बड़ देउलरु एभली बड़ आशा आसी बैठक पर सरकार को ए सुपारिश करिछि छतीसा निजोग 22 डिसेंबर कोटि कोटि जगन्नाथ प्रेमी को आशा पूरण हो पारे किंतु चूड़ांत निष्पत्ति नेबे राज्य सरकार एबे जानिनियंतु बैठक रे कौन नियाजाइछि निष्पत्ति श्रीमंदिर खोलिबा को सर्त 65 वर्षरु अधिक वयस्कंकु प्रवेश मना 10 वर्षरु कम पिलांकु मिलिबनि अनुमति प्रथम पर्याय रे 5000 लोकंकु अनुमति स्थिति देखि आगकु भक्तंकु संख्या बढ़ाइबा निष्पत्ति नियाजिबो श्रीमंदिरर चारिटि द्वारकु सानिटाइज कराजिबो दर्शन करने को आसुले मास्क पिंधा सह सानिटाइजर बाध्यतामूलक मंदिर भितर को दीप फुल नेवा मना भितर काठरु दर्शन करें श्रद्धा जनवरी 1 और 2 तारीख बंद दर्शन प्रथम 4-5 दिन दर्शन करे केवल पूरीवासी जनवरी 3 रु अन्य जिलार श्रद्धालुं खोल बड़ देउलर द्वार आज छतीसा निजोग मीटिंग परे आमे जहाँ मुख्य रूप से कि प्रस्ताव समस्त डिस्कशन परे ग्रहण करा से भितर है प्रथमे आमे सरकार को सुपारिश करू कि श्रीमंदिर को खोलवापी दर्शनार्थी मानक भक्त मानक खोलवापी यही सुपारिश आमे 2-3 दिन भितर तैयारी करी पठाइबू तापर सरकार निष्पत्ति आसला परे हमें प्राय 5-6 दिन तापर आमको ओर लगे दर्शन आरंभ करने आम आशा अच्छी 25-26-27-28 भितर के तारीख को आम निर्धारण करें समस्त तारीख को जनइबू कालिया पाखरे नाही पाछ विचार किंतु निजो कहीं एभली नियम सुपारिश करछंती भक्तों मन में प्रश्न सुपारिश अनुसार प्रथम पूरीवासी बिना कोरोना टेस्ट रे दर्शन करिपारिबे किंतु 3 रु जिला बाहर श्रद्धालु कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आवश्यक रही एभली कथा को नहीं भक्तों मन में द्वंद्व
पुरी रे बुलाक आई कि मंदिर मुझे शुणिली कौन पुरी लोक बैस तारिख में खोलिए आम कौन कटक लोक कौन तेईस तीन तारीख खोलिए जनवरी तीन ये तो असंभव यहाँ समस्त सामान भगवान समस्त पाईटा भगवान हूँ समस्त पाए आपण नुह पुरी लोक एकला नुह कि आमर नुहे समस्त सामान मो कह कथा आज निष्पत्ति शुणा आम शुणा पाइल जे केवल बैस कि कोड़े वर्ष रु षाठी वर्ष पंसठ पर्यंत से जब बाकी अगर लोक जब अगर लोक कौन करेंगे आम उपरको जीवु आम देखीदेकर बसई थी एम जो मान छाड़ से कौन ए मरीजे कि कालिया देखापी कौन पर कालिया को देखा आम आसू प्रभु आमको मुक्ति दि आम से आसुचु ना श्रीमंदिर खोलिले भी रहिब कटकणा कोविड गाइडलाइन सह मास्क भी पिंधिबा को हेबो तबे ए सबु भी सेतेबेले संभव हेबो जेतेबेले ग्रीन सिग्नल देबे राज्य सरकार पुरीरु वीडियो जर्नलिस्ट सनातनंक सह आलोक आशुतोषक रिपोर्ट अर्गस न्यूज अनेपटे कुहुड़ी चादर तले राजधानी राज्यर विभिन्न स्थान में घन कुहुड़ी सकालु सकालु घर बाहर मुश्किल हो पड़ुछे रास्तार विभिन्न स्थान में लोके निया जाली बसिथिबार देखा मिले से मॉर्निंग वॉक पई लोके समस्या पड़ुछंति गाड़ी मोटर चलाचल बाधा देखा मिले तबे संपर्कित अधिक सूचना पई आम सहित भुवनेश्वर सीधासलख जोड़ना प्रतिनिधि कविता स्वाई कविता कुहुड़ी चादर तले राजधानी ट्विन सिटी रे घन कुहुड़ी सकाळ सकाळ घर बाहर एक प्रकार मुश्किल हो पड़ी जिते बेले मु मध्ये आसुथिल तार दृश्य देखुथिले वर्तमान कि भले रहिछे दृश्य तेज कुहुड़ी चादर तले राजधानी ट्विन सिटी रे घन कुहुड़ी देखा मिली सकाळु सकाळु घर बाहर मुश्किल हो पड़ी साधारण जीवन यात्रा एक प्रकार बाधा प्राप्त होइछि कुहुड़ी चादर तले राजधानी राज्यर विभिन्न स्थान रे घन कुहुड़ी सकाळु सकाळु घर बाहर मुश्किल हो पड़ी रास्तार विभिन्न स्थान रे लोके निया जाली बसिथिबार मध्ये देखा मिली से हीपरी मॉर्निंग वॉक पई मध्ये लोके समस्या पड़ुछंती एवं एभली स्थिति आहुरी किछि दिन रहिब बोली मध्ये जहाँ सूचना रही तेबे गाड़ी मोटर चलाचल रे मध्ये बाधा सृष्टि होतिबा देखा मिली मुह को मुह देखा जाउनी जेहेतु घन कुहुड़ी आच्छादित कर रही तेबे एभली स्थिति रे बाहर को बाहर अर्थात सकाळु सकाळु बाहर को बाहर मुश्किल हो पड़ुछि साधारण लोके जेतेबेले जास करछंती दिन 9टा परे खरा हेबा परे साधारण लोक मानक जीवन जाप्ता जदि कहबा आराम रे टिके सामान्य जीवासिबा करि होछि एभली स्थिति रे केउटना केउटि एक प्रकार प्रभाव मध्ये देखबा को मिलछि कुहुड़ी चादर तरे राजधानी ते पुणि थरे आम सहित कविता जोड़ी कविता जानापी चाहिए जेहेतु समय पड़ुछि जो भाई भाव में आम सकाळ सकाळ देखिचे कि कुहुड़ी चादर तले राजधानी रही तबे सामान्य कुहुड़ी कमिलानी कविता आपण सुनी पारुछंती जानापी चाहिए जेहेतु समय धीरे धीरे बदलुचे अर्थात जिते बढ़ुची तो यह स्थित जेहेतु आम सका सका आसीचे कुहुड़ी चादर तले राजधानी कह कहीं आम देखीचे पूरा कुहुड़ी आच्छादित कर रखी तेरे वर्तमान स्थित कौन रही निहाती जदि कह शीत बढ़िया सांग को कुहुड़ी मात्रा दिनक दिन बढ़ुची आबे जेहेतु समय बढ़ला सहित सूर्य उइले तो सूर्य जेहेतु आसिले कुहुड़ी प्रकोप कमी देखिपे आपण कि जगार जिते बड़े मुसुली अफिस् से समय जगह बे धुआं धूआं थी आगर को गाड़ मोटर आसा जा ना जो मैंने मर्निंग वॉक कर बेस असुविधा सम्मुखीन होते से कहीं जो कुहुड़ी होन कुहुड़ी होन जो आम जिते बसवा करेक आमको बाधा विघ्न सम्मुखीन होगा पड़े आदि कह गत रिपोर्ट अनुसार जहाँ कुहुड़ी जहाँ होती कह कटक्रे कटक्रे घन कुहुड़ी का देखा मिली 100 मीटर रो विजिबिलिटी थिला ता सहित नयागढ़ रे हालुका कुहुड़ी 500 मीटर विजिबिलिटी भुवनेश्वर में काले हालुका कुहुड़ी थिला आज कुहुड़ी रो मात्रा टिके बढ़ी आम कहीपर ता सहित बालेश्वर में मध्यम धरण कुहुड़ी 400 मीटर विजिबिलिटी चांदवाल रे
घन कुहुड़ी मध्य 25 मीटर विजिबिलिटी ता सहित पारादीप घन कुहुड़ी बारीपदार हालका कुहुड़ी देखा मिले गत काली आज जदि कह आज ट्विन सिटी कथा जदि कह भुवनेश्वर कथा जदि कह जमी कहले आपण कुहुड़ी कुहुड़ी घन कुहुड़ी आच्छादित हो राजधानी ता सहित असुविधार सम्मुखीन होती जुआड़े चाहिबा सियाड़े धुआं धुआर परिस्थिति देखा मिली तेरे कविता आउ गोटे कथा मतलब जानापी चाहिए जेहेतु गत काल चित्र आम कहते कि गत काल चित्र देखीचे और आज चित्र मध्य अनेक फरक रही कहीं गत काल अपेक्षा आज कुहुड़ी अधिक मात्रा होती तेज साधारण जनजीवन पर प्रभाव पड़ी लोकों प्रतिक्रिया कौन आसूरी कौन कहते हैं स्थिति देखिके देखो विस्मय जी कह बर्तमान तो मुझे जो आई जी पार्क रास्तार आई रास्त लोकंर जावास जेहेतु कुहुड़ी हो लोक मैंने शीत बढ़े एक्सरसाइज लोक बाहर बाहर को ता सहित जेहेतु कुहुड़ी कुहुड़ी सांग को जो रास्ता न देखा जाए लोकंर भिड़ टे कम रहे आदि कह लोक कम अच्छा ये समय रास्त कम अच्छा आप देखुए जहाँ गोटे गोटे लोक जाऊँगी कह लोकर एक्सरसाइज एक्सरसाइज करवाई लोक पार्क असुविधा होना कुहुड़ी हेल्ले कौन भी जिनस भलसे भिजिबल हुए ना कि आम सामन कौन होमन किए रही से सब देखा जाए ना ये असुविधार कुहुड़ी हेल्ले देखा मिले आ शीत कथ जी कह शीत बे आरंभ हो गला कह राजधानी बे शीतर शीत देखा मिलू सहित शीत कपड़ा निहाती भाव अर्थात खसुचे पारद बढ़ुचे शीत और कुहुड़ी बहुत बहुत धन्यवाद कविता आप समस्त सूचना पाए आसवा परवर्त खबर को नयागढ़ पुणी पिला निखोज अभियोग एथर तीन वर्ष स्वाति को खोजुचे पर बारंडा खेलुवा बेले आउ मिल ना कुनी स्वाति गाँ पोखरी कू छानबीन कर स्वातिर पता ना सन्देह गाँव में बुलूता कंबल बेपारी अंग तस्करीर भय आखिर निद हजाई दे नयागढ़ संजय सविता सुंदरी स्वाति मिलूनी गाँ दाण खोजु तार हस हस मुह पुलिस खोजुची अग्निशम विभाग पोखरी कू दराटुची किंतु मिलूनी स्वाति ए घर बारंडारु निखोज होईची तीन वर्षीय शिशुकन्या हरप्रिया साहू और स्वाति आउ छोट पिलार को किए नहीं जीव बोली आम सन्देह करूँ एम से तो छोट छोट पिला सब खेलती बुलती किए कहीं नब नुआ कमल बेपारी आसते टे डाउट काले एबे तो चोरी सबुआड़े चलती से आम डाउट करुचु काले से नहीं थे जी भी नहीं था तो मुझे रिक्वेस्ट करुच्छे भल छाड़ी दिखता मो झी को नयगढ़ रणपुर थाना रो बधिपाटणा गाँ 11 डिसेंबर 2020 अपराह प्राय दुईटे द्वार से खेलुला स्वाति किंतु आउ फेरी नथिला प्रथमे राजसुनाखोला और परे रणपुर थाना रे झियो निखोज अभियोग करिसेंती परिवार राजसुनाखोला पुलिस पहुंची प्राथमिक तदंत करिथिला पाखरे थिबा कुओ पोखरी छानबीन करिथिला अग्निशम टीम भी पूरा दिन परिश्रम करिसेंती किंतु ए जाय स्वाति मिलुनी गाधे आसा परे पिला माने खेलुथले बारिपटे ताकु पिला तीनटा मोर खेलुथले पुओ को बापा तार बाड़िया परे से भय रे सान झीटा दुआर को आसला आउ सा दुटा आसिक आम खोजी खोजी पाउन खाया को खोजा आस पाउन से आम गाँव में जोड़े बाहर आड़े दस कम होता भोज भात होता है समय चार जन कंबल बेपारी आसिले से आम ये खाया खोजा आसिक पाउन एटी प्रश्न उठू किए से ही नुआ कंबल व्यवसायी स्वाति निखोज सह सेमानंको संपर्क रही कि नयगढ़ शिशु निखोज पछरे काम करुछि कि बड़ रैकेट स्वाति निखोज पछरे भी अंग तस्करी कारण कि पुलिस नयगढ़ वासी को सुरक्षार आश्वासना देवे कि नयगढ़ कैमरामैन आदित्य पंडा सुशांत साहू को रिपोर्ट अर्गस न्यूज परीर हत्याकांड में बाटबणा तदंत पुणि सामना को आसला प्रमाण नष्ट बड़ अभियोग परीर मृतदेह जो अखार मिलता ताक बदल दि जा अभियोग करीर माँ आ घटना सीबीआई तदंत दावी कर स्थानीय सरपंच भी सामान अभियोग कर
परी हत्यारे प्रमाण नष्ट पाई सांघातिक षड्यंत्र बदली गला कि मृतदेह मिलिथिबा अखा परीर मां आनिछंती सांघातिक अभियोग किए ओ काहे कि बदलाइला अखा उत्तर रखिबे कि एसआईटी मुख्य अरुण बत्रा। नयगढ़ परी हत्या मामलें सस्पेन्स बढ़िवार लगी घटना को चापी देवा पाई षड्यंत्र गोटे परे गोटे तथ्य सामना को आसर आसी सांघातिक अभियोग परीर मां सौदामिनी साहू का अभियोग परीर मृतदेहर अंश जो अखारू मिलता ताकू बदलाई दि जा प्रमाण नष्ट एभली कर कथा से अभियोग आनी स्थानीय सरपंच समान अभियोग कर घटनार सीबीआई तदंत दाबी हो तापर अरुण साहू से इस्तफा गादी से इस्तफा देच्युत प्रकृत अघटना प्रकृत जहाँ घटी जना पड़ो कहीं लोक डर भय कर डर भयर तापर पैसा लोभ लोक भी किसी कह चाहूना से गादीच्युत जा लोक चाहे लोक जहाँ कहे आईटा सीबीआई की आज्ञा जाऊ सीबीआई की गले सीबीआई आसिक प्रकृत के जगार नहीं कि सी कौन कौन करमती करोटे कर सब जाक डिटेल्स आन ये पुलिस आज्ञा किसी धरवे ये तो साधारण गोटे अखाटा को चेज करदे अखाड़े फिंगर प्रिंट गुटा मिलता ना अखाटा को चेज करदे आज कौन चेस्टा कर धरियापी ये आज्ञा किसी धरवे गोटे प्रहसन गोटे नाटक गोटे तामसा चलाउंट आज्ञा एबे संपूर्ण भाव में डाइवर्ट करमती गत डिस्कसन में कही जो बैगटा रू मिली जो दस बार खंड हाड़ मिली जो बैग भितर से बैगटा को बर्तमान चेंज कराई आउ जानक पोस्टमर्टम रिपोर्टे मु प्रथम कही जो पचई दि जाइला जो बडी को डिकम्पोज कराइला कौन सीना कौन सी गोटे केमिकल रासायनिक पदार्थ यूज कराइला से पदार्थटा कौन से दिगरे से मैंने बर्तमान मुझे शुणा को पाचे से केमिकाल यूज हो ना से माने रिपोर्ट तो मुझे जदि तुम निरपेक्ष तदंत तुम करमर सचोट सब पुलिस अफिसर ताल कहीं पोस्टमर्टम रिपोर्ट परीर बापा माँ को दिगला ना से प्रश्न घेर में एसआईटी तदंत टीम पुलिस दक्षता ना यह कोर्ट मॉनिटर भी नुहे वर्तमान सुधा मंत्री अरुण साहू और एसपी प्रत्युष दिवाकर तदंत परिसरभुक्त होना एवं परी को किए देव न्याय ताकू सृष्टि बड़ प्रश्न जो हत्यारे हैं उनके खुद के मिनिस्टर अरुण साहू उसको प्रोटेक्ट कर रहा है और अभी तक नवीन बाबू इस पर कोई एक्शन नहीं लिए। नवीन बाबू से यही पूछना चाहते हैं हम बहुत विनम्रता से कि क्या वो छोटी सी बच्ची परी जो 5 साल की है वो इन 4 करोड़ में से नहीं है? आपको तो जवाब देना है। इस आइटा पर हमारा भरोसा अच्छी नरसिंह मिश्र को भरोसा अच्छी 2 मास भीतर रिपोर्ट देवे न देना आम फुटपाथ को जीव राज रास्ता कांग्रेस स्थिर कर तेणु कांग्रेस परी न्याय पर्यंत संग्राम चाषी मूल्य पाइला पर्यंत संग्राम चली परी हत्याकारी को केमिति धरिबो एसआईटी 15 दिन भितर रहस्य उपरू केमिति हटाइबो पर्दा ना पूरा षड्यंत्र रे एसआईटी भी गोटे मोहरा रिपोर्ट अर्गस न्यूज। कटक जिला 14 ब्लॉक गरुडंगा पंचायत विश्व नाकाणी मेलन जात्रा उद्यापित होछे। दीर्घ 49 वर्षर ऊर्ध हेब आडम्बर पालित हो आसुथिबा बेले चलित वर्ष नाराडम्बर भाव में जात्रा शेष होछे। कटकणा जो मेलन पड़िया खाँ खाँ रहिथिला। ये 49वां मां विश्व नाकाणी कार्तिकेश्वर महोत्सव बहुत धूमधाम रे पालित हुए। ये यात्रा रो गोटा गारिमा रही जहाँ बाली यात्रा परे ये द्वितीय बाली यात्रा रो मान्यता पाई। आमर 49वां कार्तिकेश्वर यात्रा फीका पड़गला तथापि आम मनरे उत्कंठा रही आसंता वर्ष आम 50वां रौप्य जयंती पालन कर अनुष्ठान तेणुक आम देव सेनापति कार्तिकेश्वर निकट मान प्रार्थना करूँ जे आम अंचल तथा आम राज्य देश विश्व कोरोना हटि जाओ तो दुख रही कि सारा विश्व को जेहेतु कोरोना कबलित करें से बात जावा कमी तेणु जेहेतु सरकार निर्देशनामा रही आम कौट लोक गैदरिंग हेवी पी करेंगे ना सोशल डिस्टेंस रही मास्क रही तेणु जत्रा को आम निडम्बर भाव में पालन करुच्छ। सेपटे संबलपुर जिला वकिल संघर नूतन कर्मकर्ता निर्वाचन अनुषित हो जाए।
ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏକା ସାଥିରେ ସମସ୍ତ ଓକିଲ ସଂଘର ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘର ସବୁ ସଭ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀ ପାଇଁ ମତଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘର ବାର୍ଷିକ ନିର୍ବାଚନରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ରଥ ସଭାପତି, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଉପସଭାପତି, ରବି ରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରର କୃଷି ବିଲ୍ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କାଉଣ୍ଟର ପାଇଁ ବିଜେପିର ବଡ଼ ରଣନୀତି। କୃଷି ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଜନଜାଗରଣ କରିବ ଦଳ। ଦେଶର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ସଭା କରି ଲୋକଙ୍କୁ କୃଷି ବିଲ୍ର ଲାଭ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଓ ନେତା। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କୃଷି ବିଲ୍ର ଫାଇଦା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇବ ବିଜେପି। ଦେଶର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ଜନଜାଗରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ସଭା କରି କୃଷି ବିଲ୍ର ଲାଭ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ବିଜେପି ନେତା। ଏନେଇ ଦଳ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ଅଭିଯାନ। କୃଷି ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ପଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଦଳ। 700 ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ଚୌପାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷି ବିଲ୍ର ଫାଇଦା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବ ଦଳ। ଦେଶର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ଏହି ଜନଜାଗରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କୃଷି ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଜନଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବିଜେପି କରିବ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ଚୌପାଲ। ବାସ୍ତବିକ ଇଏ ବିଲ୍ ଜନତାର ହିତରେ ଏଇ କଥାଟା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭ୍ରମଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି କିଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନିଜର ନିହିତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଏବଂ ଏହି ବିଲ୍ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଦଲାଲମାନଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବାସ୍ତବିକତା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଚାରତନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବେ। ଲୋକ ତ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କିଛି ଲୋକ ହ୍ୟାଣ୍ଡଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ କିଛି ସେଥିରେ ଜବରଦସ୍ତି ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ନେଇକିରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ନାଇଁନ। ଦେଶରେ ବାକି ଏରିଆର କୃଷକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି ଲୋକ ଏଇଟା ଭଲ ଆଇନ ହେବ। ସେପଟେ କୃଷି ବିଲ୍ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖୋଲାଖୋଲି ସମର୍ଥନ କରିଛି ବିଜେଡି। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି କୃଷି ବିଲ୍ର କେତେକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ବିଜେଡି ସହମତ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଆଜିର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଚିହ୍ନଟ ତ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ। ସେ ଗୁଜୁରାଟରୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜାବରୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକର ସେଠି ପଞ୍ଜାବରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଚାଷୀର ସଂଜ୍ଞା ଏବଂ ଚାଷୀର ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ତାକୁ ସାରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ସେତିକି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟେ ଯୋଜନା କଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀ କିଏ ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିକିରି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଜଣାଇବେ, ସେଇ ନାଁରେ ଟଙ୍କାଟା ଆସିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଷ୍ଟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱଟା ତଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାହା କଲେ ନାହିଁ, କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା ଦେଲେ ନାହିଁ, ଏକାଥରେ ସେଥିରେ କାମ ଚଳାଇଦେବେ, ଅଧା ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଲାଭ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ଉପରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଖସେଇବା ପାଇଁ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଦିଅନ୍ତି, ବେନିଫିସିଆରୀ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରନ୍ତି, ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ମିଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର 30-32 ଦରରେ 20 ଚାଉଳକୁ ଦେଇକରି ସେଥିରୁ ମୁନାଫା ନିଅନ୍ତି, ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିବା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ। ଦିଲ୍ଲୀ ସୀମାରେ ଚାଲିଥିବା କୃଷି ବିଲ୍ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ 17 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହୁବାର ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି କୃଷକ ସଂଗଠନର ଦାବି ମୁତାବକ ବିଲ୍ରେ କେତେକ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ରାଜି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ଏକାଜି ବିଲ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ। ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କର ଏପରି ଆଭିମୁଖ୍ୟର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ କୃଷି ବିଲ୍ ନେଇ ଯେପରି ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ବିଜେପି ଆପଣାଇଛି କାଉଣ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଅନ୍ୟପଟେ ଖସୁଛି ପାରଦ, ବଢ଼ୁଛି ଶୀତ ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି। ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ରାଜ୍ୟର ଯଦି କହିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି, ରାସ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକେ ନିଆଁ ଜାଳି ବସିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ କୋରାପୁଟର ଚିତ୍ର କିଭଳି ରହିଛି ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ କୋରାପୁଟରୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ। ଗୋପାଳ, କିଭଳି ରହିଛି କୋରାପୁଟର ଚିତ୍ର?
ଦେଖନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମୀ ସିଧାସଳ ଯଦି କହିବା, ପୂର୍ବ ଆମେ କୋରାପୁଟ ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିଲୁ, ପୁଣି ଆଜି ଯଦି କହିବା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରେ ଆମେ ଅଛୁ ସିଧାସଳଖ, ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ଜାଳ ଯେହେତୁ କମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 2-3 ଦିନ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରାପୁଟର ଶୀତ ଯେହେତୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସିଧାସଳଖ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଟୁଲୁ ମଉସାଙ୍କ ଚା ଦୋକାନରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶୀତର ଶୀତକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରବାସୀ କେତେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, କୋରାପୁଟର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା, ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କହିବା କେମିତି ଥଣ୍ଡା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥଣ୍ଡା କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପ ତ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଥଣ୍ଡା ଯାହା ହେଲେ ବି ଅଧିକ ହିଁ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲାବେଳେ ଆମେ ଯାହା ଫିଲ୍ କରୁଛୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବା ରାୟଗଡ଼ା ଠୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଯଦି କହିବା, ଯେଉଁମାନେ ସକାଳୁ ଭୋର 4 ବେଳକୁ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏଠି ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଏଠି ସେମାନେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଥାଏ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯଦି କହିବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି, ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା, ଆଦିବାସୀ ଲୋକ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ବଢ଼ିଲାନି, ଏ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ କୁଆଡ଼େ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ନିହାତି ଭୀଷ୍ମୀ, ଯାହା ବି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା, ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଖ ପାଇଁ ସେମାନେ ମହୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶିଆଳି ପତ୍ର ଝୁଣା ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସକାଳୁ ଭୋରୁ 4 ବେଳେ ସେମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ କହିବା ଦୀର୍ଘ 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ଯେ ଶୀତ ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯେମିତି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଶୀତରୁ ଦାଉ ରକ୍ଷା କରିବେ, ତାକୁ ନେଇକି ନିଜକୁ ସଚେତନ ରଖିଛନ୍ତି, ପାହାଡ଼ ଭିତରୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହା ବି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, ପ୍ରପର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଠି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ର ଆଦିବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ପାହାଡ଼ ଭିତରୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଥଣ୍ଡା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ସବୁ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି, ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ ମାନେ ଧନ ଜୀବନ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା ସକାଳ ମାନେ 5-3 ଉଠିକି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ କଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଏସବୁଗୁଡ଼ା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବଟା ପଡ଼ୁଛି। ଶିଆଳି ପତ୍ର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବସାୟ ହୁଏ, ହାଟରେ ସେମାନେ ବସିଥାନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ମା ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କେମିତି ସେମାନେ ଶିଆଳି ପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠପ ହେଇ ପଡ଼ୁଛି, ତ ନିହାତି କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ସେମାନେ? ନିହାତି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାହିଁକି ସେମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ 3-4 ଉଠନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଆଣି ମାର୍କେଟରେ ବିକନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ଉପରେ ଚାଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ୁଛି ଧନ ଜୀବନ ଉପରେ ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ରେ ଚଳନ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ନିହାତି ବିଷ୍ପୀ, ଯେଉଁମାନେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ କଥା କହିବା, ଆଦିବାସୀ ମା ମାନେ ଶିଆଳି ପତ୍ର ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଲାଖ ଝୁଣା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ 4 ବେଳକୁ ଭୋର 4 ବେଳେ ସେମାନେ ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଯେହେତୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଦୀର୍ଘ 2-3 ଦିନ ହେଲା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦିବାସୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ମୁହାଁ ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେଉଛନ୍ତି। ନିହାତିରେ ଗୋପାଳ, ତାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା, ତେବେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଶୀତର ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶୀତ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋପାଳ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସମସ୍ତ ରହିଛି ବୁଲେଟିନ୍ ରଖିବା, ଅଧିକ ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ୱେବସାଇଟ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।